देखिए, मैंने कम से कम 100+ विस्कीज परचेज करी होगी ज़िंदगी में, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी लिस्ट बनाऊं उन विस्कीज़ की जिनको पीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उनका टेस्ट काफ़ी ख़राब है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग कभी इस चीज़ को ना फेस करें, क्योंकि विस्की काफ़ी महंगी आती है। तो बिना किसी रुकावट के मैं आज आपके सामने 1, 2, 3, 4, 6 ऐसी विस्कीज़ के नाम लूँगा जो मुझे नहीं लगता अपनी प्राइस जस्टिफाई करते हैं, ना ही उनके टेस्ट में कोई उभरता हुआ रंग रूप है, एंड दे आर नॉट वर्थ बाइंग। सो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ख़राब लगेगी, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, लेकिन मेरे हिसाब से इन विस्कीज़ का जो फ्लेवर है मुझे पसंद नहीं आया कहीं ना कहीं, यू अंडरस्टैंड? सो प्रेजेंटिंग टू यू 6 विस्कीज़ विच आई थिंक यू शुड प्रॉब्ली अवॉइड। ये स्टार्टिंग प्राइस आती है 250 रुपये की, मैंने ली थी ये 3-4 साल पहले लॉकडाउन के वक्त, ऑफिसर्स चॉइस 2020 की बनी थी, मैं बनी थी ये 2021 में ली थी। इस विस्की पता नहीं, ये मैंने गुड़गांव से उठाई थी। मैं स्टिकर तो बहुत अच्छा है, लेकिन टेस्ट कहीं ना कहीं इसका मिसिंग है, कहीं ना कहीं इसमें वो बातचीत मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। मुझे ये बहुत बकवास लगी, एंड ऑफिसर्स चॉइस को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ किसी को ये पसंद आ ही नहीं सकती। आप कहेंगे कि यार मेरा बजट 250 रुपये, मैं कौन सी विस्की खरीदूँ? तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप 250 रुपये में ऑल सीजन्स का क्वार्टर, हाफ ऑल सीजन्स का हाफ, इससे बहुत बेटर है। अगली विस्की है, ये जॉनी वॉकर की आती है, ब्लैक लेबल का वेरिएंट है। इसका नाम है ब्लैक ब्लैक लेबल स्पेस साइड। हम स्पेस साइड सुनते हैं तो हमें लगता है यार अच्छी स्कॉच होगी, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ख़राब विस्की है जो पीने लायक भी नहीं है। मैं अगर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास 10-12 ऑप्शन है, तो शायद ये 12th ऑप्शन होगी जो मैं अपनाऊँगा। आई थिंक ये मैंने 3 या 4 हज़ार रुपये की ली थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट एनी वेज किसी भी प्राइस रेंज पे आप ये किसी को भी गिफ्ट भी मत करना। यहाँ पे लिखा है टेस्टिंग नोट्स ऑफ ऑर्चर्ड फ्रूट लाइक कट ग्रीन एप्पल कास्क एज विद टच ऑफ स्वीटनेस एंड स्मूथ एंड वाइब्रेंट फिनिश। कुछ भी ऐसा नहीं है, कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। प्रॉबेबली द ओनली जॉनी वॉकर जो मुझे आज तक पसंद नहीं आई, ये सिर्फ एक ऐसी जॉनी वॉकर की विस्की है जो पसंद नहीं आई मुझे। नंबर 3, इस विस्की में बहुत गालियाँ दे चुका अपने चैनल पे। देखिए, आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको पहले लगेगा यार ये क्या हुआ। आप इसको नीट भी टेस्ट करेंगे, आपको ये नहीं नहीं पी पाएंगे आप इसको। ये है पॉल जॉन की बोल्ड। अब मैं पॉल जॉन की PX कास्ट पे इंट्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन PX कास्ट में कुछ खूबी है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। अगर आप नीट पियेंगे आपको शायद एक तरीके से शेरी का फ्लेवर आएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन पॉल जॉन बोल्ड जो है ये ऐसी पीटेड विस्की है, इसमें इतना पेपर है, इतना इतना ज़्यादा अजीब सा अंदाज़ है कि मैं रेकमेंड नहीं कर सकता आपको। एंड ये मैंने 4,300 रुपये की ली थी, 4,500 रुपये की ली थी, 2% और भी देना पड़ा था। ये मैंने ली थी 2020 में, ठीक है, लॉकडाउन के पहले। नॉट वर्थ इट। इसमें 46% अल्कोहल है, और पॉल जॉन की कोई भी ऐसी विस्की आज तक नहीं रही जो मुझे बहुत पसंद आई। मुझे अगली विस्की का नाम लेने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ इसको लेके, बिकॉज बहुत सारे विस्की स्नॉब्स मेरे पास कई बार आते और कहते तेरे को ये पसंद नहीं आई, यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट विस्की बिकॉज यू डोंट नो दिस। आई थिंक जब आप किसी को ऐसे गिल्ट शेम करते हो ना, बिकॉज आपको लगता है आपको कोई चीज़ पता है और उनको नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा नहीं कर रहे। बेल्विनी 12 डबल वुड, इट्स अ सिंगल मॉल्ट विस्की। मैं कहूँगा जितनी भी मैं विस्कीज आज नाम देने वाला हूँ, ये बेस्ट टेस्टिंग है उनमें से। 6 विस्कीज के नाम देने वाला हूँ, ये बेस्ट टेस्टिंग है बेल्विनी 12। बट आइस एंड वाटर के साथ ये बिल्कुल मिक्स नहीं होती। फ्रंट फुट पे काफ़ी अच्छा टेस्ट है, बैक फुट पे बहुत ख़राब टेस्ट है। ओवरऑल इसका मुझे ख़राब ये लगता है कि एक मौथी ब्लैक पेपर बॉल्स वाला इसमें अंदाज है, विच इज़ नॉट वेरी अपीलिंग टू मी। शायद आपको पसंद आएगी, पर 5,500 रुपये में मैं इससे बहुत बेटर सिंगल मॉल्ट के नाम ले सकता हूँ, जैसे कि बता तूने बोल दिया है, बता 5,500 में क्या लेगा इसकी जगह। बेल्विनी की जगह मैं कहूँगा आपसे, आप ग्लेनफिडिक 15 लेके आइए, ग्लेनलिवेट 15 लेके आइए। इसका जो टेस्ट प्रोफाइल है उसमें शेरी का कहीं ना कहीं उपयोग हुआ हुआ है, और वो काफ़ी अजीब सा फ्लेवर है। सेकेंड कास्क फर्दर मैचुरेशन इन यूरोपियन ओक शेरी कास्क इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटी ब्रिंगिंग फ्रूटी हनी डेप्थ टू द रिजल्टिंग सिंगल मॉल्ट। अगेन दिस इज़ अ वेरी अक्वायर्ड टेस्ट,
क्या पता अगर मैं इस बेल्विनी के 3-4 बॉटलें पी लूँ, मे बी आई डेवलप अ टेस्ट फॉर इट. द फर्स्ट टाइम आई हैड टीचर्स, आई वाज अ बिट लाइक इज दिस विस्की, बिकॉज आई नेवर हैड विस्की बिफोर दैट. सो मे बी आई कुड बी रॉन्ग गाइज. अब ये मैंने 5,000 रुपये की ली थी, आई थिंक 4,870 रुपये की ली थी मैंने दिल्ली से, ओल्ड पल्टनी. अगेन अब जब से ये लिया ना मुझे, तब से एक तरीके का भय आ गया है, फेयर आ गया है ऑफ मैरिटाइम फ्लेवर्स इन विस्की. एंड इंद्री ऑल्सो हैज़ मैरिटाइम नोट, बट ओल्ड पल्टनी इज नॉट वर्थ इवन एक्सपेरिमेंटिंग विद. बॉटल काफ़ी यूनिक लुकिंग है, आप कहेंगे यार ये तो अच्छी लुकिंग बॉटल है, हाउ कैन यू नॉट लाइक दिस, बट दिस इज़ नॉट अ गुड विस्की. अमेरिकन ओक कास्क, रोबस्ट विद स्मूथ डेलिकेट हिंट्स ऑफ, नॉट डेलिकेट एट ऑल, इट इज़ नॉट एरोमैटिक, इट्स वेरी इन योर फ्लेवर प्रोफाइल, पेपरी. बहुत ही अच्छी लुकिंग बॉटल है, अच्छा बॉक्स वगैरह है, बट इट्स अ कम्प्लीट फेल. 4,000, 5,000, almost 5,000 rupees आई वेस्टेड. सो यू डोंट वेस्ट इट. फाइनली ब्रूक लाडिक, नॉट अ गुड विस्की, इट डजेंट टेस्ट वेरी गुड. अगेन इट सफर्स फ्रॉम, इट्स अ नॉन पीटेड आइले मॉल्ट. आइले मॉल्ट की खूबी होती है उसका पीट, बट दिस इज अ नॉन पीटेड आइले मॉल्ट. गुड एक्सपेरिमेंट, साउंड्स प्रीटी फैंसी, बट दिस इज अ कम्प्लीट फेल. ये मैंने 7,500 रुपये की ली थी, आप में से किसी भाई साहब ने पैसे डोनेट किए थे, 50% अल्कोहल है इसमें. द क्लासिक लैडी स्कॉटिश बार्ले, नॉट अ गुड टेस्टिंग विस्की एट ऑल. अगेन कुड बी एन अक्वायर्ड टेस्ट, बट आई एम जस्ट वार्निंग यू, 7,500 bucks फॉर दिस, यू गोना सफर मैन, नॉट वर्थ द मनी. थैंक यू फॉर वॉचिंग, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बाय नाउ. एक बोनस है एंड दैट इज़ रॉयल रणथंबोर, ये भी बहुत ही ख़राब विस्की है. ये 1,000 रुपये की ज़रूर आती है, बट दैट डजंट मीन इट्स वर्थ बाइंग. इसका गिव अवे चल रहा है, अगर आप लोगों को जीतना है तो बता दो आपको क्यों डिज़र्व करते हो, एंड आई विल सेंड इट टू यू, टू द बेस्ट पर्सन.